11 दिनों के गणेश उत्सव के बाद में आज गणपति के जाने का समय आ गया है। तो इसी के चलते आज हम रोबोट स्क्वायर पर खड़े हैं, इंदौर शहर के रोबोट स्क्वायर पर खड़े हैं, जहां पर नगर निगम ने 11 नदियों का पानी एकत्रित किया हुआ है, एक कुंड बनाया हुआ है जहां पर भक्त आके गणपति को बड़ी आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। तो नगर निगम के अधिकारियों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कोरोना के चलते क्या गाइडलाइंस है, क्या पाबंदियाँ हैं और उनकी क्या व्यवस्था है, गणपति का यहाँ से एकत्रित करने के बाद में वो कहाँ ले जाएंगे, उनकी क्या प्रक्रिया होगी गणेश विसर्जन की, इसके बाद की क्या स्थितियाँ होगी, उस पर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। जी दरोगा जी, तो अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहीं पे ही आपने एक कुंड बना रखा है, यहीं पे ही आपने गणपति सारे एकत्रित कर रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया है इसके बाद की, ये थोड़ा सा हमें बताएं। इस कुंड में क्या सारी नदियों का पानी एकत्रित करके उसमें गणेश जी विसर्जित करते हैं जी। और इसके बाद फिर आपकी क्या प्रक्रिया है, इसके बाद से सारे गणेश जी कहाँ पर ले जाएंगे? यहाँ से सारी मूर्तियाँ नर्मदा जाएगी। इस बार मतलब हम ये अगर जानने की कोशिश करें कि इस बार भक्तों का क्या रुख है, जो चूंकि कोरोना के चलते पूरी गाइडलाइंस चेंज हो गई है, आप लोग पूरा एकत्रित कर रहे हैं, कहीं पे भी घाट पे भी ज़्यादा जाने की पाबंदी है, तो इसके चलते भक्तों का क्या रुख है इस प्रक्रिया के नहीं तौर पे? जैसे अभी जो निगम की तरफ से जो अभी चल रहा है, मतलब खुश है उससे। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब उन्हें जाना, मतलब जिस तरह हर बार जो उत्साह होता है थोड़ा कम है वो, बाकी फिर भी अच्छा, मतलब व्यवस्था भी अच्छी है। आ रहे हैं, जिस तरह आप कुंड देख रहे हैं, कुंड में खुद अपने हाथों से विसर्जित कर रहे हैं, विसर्जित करके जो मूर्ति है उसे हम साइड में रख रहे हैं, पास में रख रहे हैं, हमारे पास में। जब भी जो भक्त लोग आते हैं, अगर उन्हें पूजा वगैरह भी करना हो तो पूजा वगैरह भी कर रहे हैं यहाँ पर वो, मतलब इसी इस तरह की कुछ वो नहीं है। ये बताइए कि इसके बाद की क्या प्रक्रिया है, इसके बाद आप गणेश जी को किस तरह का से रूप देंगे या विसर्जन की क्या प्रक्रिया है इसके बाद? इसके बाद में ये है कि कल यहाँ से सीधे नर्मदा पे जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छे से इनको ना विसर्जन वहीं पे मतलब ठंडे किए जाएंगे। और अभी जैसे चलते हैं कि अभी किसी को मतलब वहाँ जाने नहीं दे रहे, बाढ़ भी आ रही है, कई घटनाएं हो जाती है, तो इस कारण क्या है, नगर निगम हमारे कमिश्नर द्वारा जी के ओर से सब ये व्यवस्था जमाई गई है, वो हर साल व्यवस्था जमाई जा रही है। सर अभी चूँकि कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते भक्तों के लिए यहाँ पर जो आप एकत्रित कर रहे हैं, भक्तों के लिए इस चीज़ पर क्या पाबंदी है? पाबंदी उनकी कोई कुछ भी नहीं है, बस वो यही चाहते हैं कि 10 दिन हमने सेवा की है, बस इनको ना सीधे वहाँ पे ले जाके इनको एकत्रित सही तरीके से इनको विसर्जन कीजिए। सर सीधा सवाल आपसे ये है जी कि इस बार ऐसा क्या अलग है जो हर साल आप गणेश विसर्जन करते थे, इस बार उत्साह में कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको? यस सर, मिल रहा है देखने को। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए सर। जी पहले जो था ना लॉकडाउन में इतनी लिबर्टी नहीं थी मार्केट में, अब इस बार अपन को ज़्यादा लिबर्टी मिली है कि हमें छूट दी है हर चीज़ की, कि आप विसर्जित कहीं भी कर सकते हैं और एक कुंड में भी कर सकते हैं। नगर निगम की इस पहल जो है यहाँ पर, जैसे 11 नदियों का पानी एकत्रित करके एक कुंड बनाया गया है, नगर निगम की इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, या नदियों घाट पे आपको ज़्यादा जाना ज़्यादा कंफर्टेबल था? नहीं नहीं, हमें यही कंफर्टेबल लगता है, नदियों घाट में जाते हैं लोग और फिर तरह तरह की दुर्घटनाएँ होती है, तो उससे ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर विसर्जित करिए, क्योंकि अपनी जो मन की शांति है वो तो आप कहीं भी वहाँ जाओगे यहाँ जाओगे बात एक ही है, कि अपन जो अपनी जो शांति से कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर विसर्जित कर रहे हैं अपन, और वहाँ भी कर रहे हैं, और अपन तो दिल से कर रहे हैं ना, कहीं भी करो, ये अच्छा है अपने लिए। इस बार की गणेश उत्सव में आपको ऐसा क्या अलग देखने को मिला सबसे ज़्यादा, अगर कोरोना के बाद से हम ये देखें कि इस बार थोड़ी सी ज़्यादा लिबर्टी मिल रही है, इस बार थोड़ी सी ज़्यादा छूट है, तो इस बार ऐसा क्या अलग देखने को मिला पूरे गणेश उत्सव के चलते? इस बार सभी लोगों ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। गणेश स्थापना इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में सब जगह की गई, और उसी के मान से गणेश विसर्जन भी आज हुआ। हमने आज गणेश विसर्जन हमारे परिसर में एक पानी के टंकी में किया, और ये गणेश जी मिट्टी के बने हुए गणेश जी थे, और इस गणेश जी में बीज भी थे, और ये जो पानी और मिट्टी हमें अपने उद्यान में ही डालेंगे ताकि वह वृक्ष रूप में जाए
और हमने यही कामना की कि जिस प्रकार कोरोना कम हो रहा है इसको समाप्त किया जाए इस शहर, इस प्रदेश, देश से, दुनिया से, और फिर से हम वापस उत्सव मनाएं, यही गणेश जी के चरणों में प्रार्थना की। गणपति के 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद में आज गणपति के जाने का समय आ गया। लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गणपति जी को अगले साल जल्दी से बुलाने की आस भी देखने को मिल रही है। नगर निगम द्वारा बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं यहां पर संचालित हो रही है। नगर निगम के द्वारा 11 नदियों का पानी एकत्रित कर गणेशपति का पूरा विसर्जन की व्यवस्थाएं की जा रही है। तो इसी के साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि इसके बाद गणेश विसर्जन की क्या प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद हो सकता है कि वो नर्मदा लेके जाए, हो सकता है किसी नदी के पे जाके उनकी कोई अच्छी सी व्यवस्था हो। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अनुपम लाड, मृदुभाषी न्यूज़।